आप देख रहे हैं खबर दिन भर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात अज्ञात हमलावरों ने गोदाम के सुरक्षा कर्मी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त आमिर हसन ने बताया कि दू कस्बे का गणेश गुजर एक गोदाम में सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम करता था। उसका शव शनिवार को सुबह मिला और सिर पर चोट के निशान पाए गए। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बगरू थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। झलावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में हो रही अघोषित बिजली कटौती और अन्य मूलभूत समस्याओं की मांग को लेकर आज आम नागरिक समिति के साथ शहरवासियों ने चौमेला कस्बा बंद रखा और नाराजगी जताते हुए विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व नागरिक रैली निकालते हुए डिस्कॉम कार्यालय भी पहुंचे और नारेबाजी कर कार्यालय का घेराव किया। मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय व्यापारी प्रिंस सोनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती जिससे आम जन बेहाल हो चुका है और आम जनता त्रस्त है, इसके संबंध में आज चौमेला नगर पूर्ण रूप से आम लोगों ने बंद किया एवं बिजली ऑफिस का घेराव करके प्रदर्शन किया गया आम जनता की तरफ से। तत्पश्चात एसडीएम कार्यालय पे नगर की प्रमुख समस्याओं को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर हो रही सीवरेज निर्माण से नागरिक परेशान है। सीवरेज निर्माण कंपनी द्वारा निर्माण के दौरान पेयजल की पाइपलाइन तोड़ दी जाती है, जिससे भीषण गर्मी में नागरिकों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा। इससे परेशान जंक्शन के नागरिकों ने रात को हंगामा किया और कहा कि सीवरेज निर्माण कंपनी ने पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे उनको दो दिन से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। वहीं नगर परिषद सभापति सुमित्र नेवा का कहना है कि उन्होंने सीवरेज निर्माण कंपनी को पावन किया था कि भीषण गर्मी के मौसम में वहां निर्माण कार्य ना करें, क्योंकि सीवरेज कंपनी की जेसीबी से पाइपलाइन टूट जाती है और पेयजल सप्लाई बंद हो जाती है, मगर सीवरेज निर्माण कंपनी निर्माण कार्य में जुटी है। इस समय नगर परिषद सीवरेज निर्माण कंपनी पर सख्त कार्रवाई करे। सुनिए नगर परिषद सुमित्र ने क्या कुछ कहा। जो सीवरेज डल रहा है मेरे हिसाब से 19 नंबर वार्ड लगभग कम्प्लीट हो गया था और मैंने इनके जो अधिकारी आए थे उनको बिल्कुल बाउंड किया था कि ये जो महीना चल रहा है जून का, इसके बीच अब आप कोई भी रोड पे पाइपलाइन नहीं डालो, चाहे आपकी रोड बची है चाहे नहीं बची। पहले जो आपने ट्रेंच डाल दी हैं उन पे एक लेयर पत्थर की कुटाई करें ताकि लोगों का आवागमन सुचारू हो। मेरे संज्ञान में नहीं है थोड़ा सा, क्यों बाहर की कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर है तो हमारा जो ये मॉनिटरिंग में जरूर रहता है। अभी मैंने उनसे बात भी की है, मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है भाई कोई इन्होंने वहाँ कल कोई एक गली में सीवरेज बची थी वो डालने के लिए कोई जेसीबी चलाई है, कोई मेन पाइप जो सप्लाई देती है उसको तोड़ दिया, वो मिल नहीं रही। बाकी उसमें सही बात है लोगों की कि उनको इस महीने के अंदर अगर पानी नहीं जाता तो बड़ी दुविधा है। मेरे पास अभी मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया है, तुरंत प्रभाव से मैंने जी इनसे बात की और उनको जो सीवरेज के अधिकारी जहाँ जो है उनको वहाँ मौके पर ले जाने की मैंने उनको बोला है। एक घंटे बाद मैं खुद वहाँ मौके पर जाके देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज जो हैं ये खुद क्रिएट करते हैं जो सीवरेज के जो अधिकारी हैं। तो इनको मैंने मना कर दिया था, दुर्गा कॉलोनी में अभी इन्होंने स्टार्ट की थी, उस दिन मैं जब दौरे पर था तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आप पहले जो काम किया है उसको सुचारू रूप से सही करें, उसके बाद आगे की ट्रेंचों पर आएँ। और इस महीने तो ख़ास तौर से आप कोई भी जो मेन लाइन है आपकी या एसपीएस बनना है उस पे आप काम करें, ना कि वार्डों में आप जाके कोई तोड़ फोड़ करें। पूरा राजस्थान इस समय हीट वेव की चपेट में है। बीते दो दिन की बात करें तो सरकारी आंकड़ों में राजस्थान में हीट वेव की जद में आने से 6 मौत भी हो चुकी है। इस बीच आज से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी वो नौ दिन जब सूरज धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी बरसाता है। राजस्थान में 28 मई तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और करीब 22 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ जिलों में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। भीषण गर्मी के मद्देनजर राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट मोड पर। मौसमी बीमारियों और हीटवेव प्रबंधन को लेकर हाई लेवल मीटिंग में हुई समीक्षा। 3 दिन में व्यवस्था नियमित करने के दिए निर्देश, शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की खबर है। पुलिस का कहना है कि नक्सली के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ, फिलहाल तलाशी जारी है। बता दिए जानकारी सुकमा एसपी किरण चौहान ने दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक एक्सपोस्ट पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पार्टी की मंत्री आतिशी के एक्सपोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था, ये चौंकाने वाली बात है, चुनाव आयोग को दिल्ली में नियमित मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर उपराज्यपाल ने कहा, आदत ही बना ली आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में भी रहना बस रोते हुए रहना। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बताया, हमें आधिकारिक जानकारी मिली है कि कल शाम एलजी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि जिस भी इलाके में इंडिया गठबंधन का गढ़ है उन इलाकों में वोटिंग धीमी की जाए, अगर ऐसा हुआ तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन होगा, इसलिए हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में लोग देश के हित के लिए वोट कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की धज्जियां उड़ रही है। कन्हैया कुमार का परिचय क्या है, उनको लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उन्होंने बोला है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। वो ऐसा बोलते भी हैं और ऐसा करते भी हैं। वो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, घर घर से अफजल जैसे आतंकी निकालने की बात करते हैं, वो नक्सलियों के साथी हैं। बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत का काम देखेंगे, कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी कर ली है, उत्तर प्रदेश के शहजादे को सदमा लगने वाला है। आज खबर दिनभर में इतना ही, दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।